हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो है WPS ऑफिस को लेकर के। तो WPS ऑफिस में सेल एड्रेसेस को कैसे हम देखते हैं और कितने टाइप के सेल एड्रेसेस होते हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये WPS ऑफिस मैंने ओपन किया। मैं इसे थोड़ा जूम पे लेता हूँ और आपको कई चीजें बताऊंगा इसमें, और ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम 100% गारंटी है। अच्छा, हर जगह फॉर्मूला समझाया जाता है, सेल एड्रेस अगर समझा दिया जाए तो काम वैसा ही आसान हो जाएगा आपका। तो आज के इस वीडियो में यही सेल एड्रेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये सेल एड्रेस से पक्का है कि अगर आप एक्सेल से या WPS ऑफिस इस तरह का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सेल एड्रेस तो पक्का आता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे में सेल एड्रेस के बारे में हम सीखने जा रहे हैं और इस चीज को ध्यान से देखिएगा, और आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, एक ही बार में पूरी बात समझ में आ जाएगी कि क्या सेल एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, क्यों ना हम इसमें ड्रॉप डाउन बना लें। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने हिस्से में हमें ड्रॉप डाउन चाहिए उतना हिस्सा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डेटा टाइप पे जाइए, और डेटा टाइप पे जाने के बाद ये जो वैलिडेशन दिख रहा है यहाँ पे, वैलिडेशन पे चले जाइए और वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया, यहाँ पर आ जाइए, एनी वैल्यू दिख रही है, इसे लिस्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, लिस्ट। और यहाँ पे आप टाइप कीजिए कॉमा दे दे करके, क्या करना है, कॉमा दे करके टाइप करना। जैसे मान लीजिए पहले प्रोडक्ट का नाम क्या है, पहले प्रोडक्ट का नाम है कीबोर्ड, ठीक है। तो ये लिख दिया कीबोर्ड इस तरीके से, तो ये पहला प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया माउस MOUSE, तीसरा इसी तरीके से हो जाएगा CPU, तो ये CPU कर दिया। चौथा हो जाएगा लैपटॉप, पांचवा हो जाएगा डेस्कटॉप। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे नाम हम एंटर करवाने वाले हैं, ठीक है। चार्जर यहाँ पे लिख दिया मैंने चार्जर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से ओके करिएगा तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन नजर आएगी, तो यहाँ से अब आप चूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन भी बनाना आ जाएगा कि किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, और काफी ज्यादा इसका फायदा है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, और फिर यहाँ पर भी वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये चार्जर आ गया, ठीक है, जहां तक ये है वो चीज। अच्छा, रिपीट भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि डेस्कटॉप यहाँ पे है तो यहाँ नहीं आ सकता है। अच्छा, इन सबको क्या करना है, रुपीज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जाएंगे होम पर, और होम पर जाने के बाद क्या करेंगे, इसको रुपीज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से जो जनरल दिया गया है ना, इसको बनाएंगे करेंसी। और करेंसी बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर आकर के इंग्लिश इंडिया आपको रखना है, ठीक है। तो करेंसी बना करके इंग्लिश इंडिया रखना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये करेंसी भी बना दिया, इंग्लिश इंडिया बना दिया। आप यहाँ पे कीबोर्ड की प्राइस लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे रुपीज अपने आप आने लगेगा, ठीक है। और ये मान लीजिए माउस जो है 150 का है, 150 रुपए। और यहाँ पे सीपीयू जो है 23,000, यहाँ पे प्राइस इसकी डाल दी। लैपटॉप जो है 40,000, तो यहाँ पे जो भी है उसकी प्राइस यहाँ पे मैं डालता जा रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप जो है 23,000, ठीक है, ये कर दिया। चार्जर जो है आपका है 300 का, और डेस्कटॉप यहाँ पे फिर बात आएगी, तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप है 22,000 का। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पे यूनिट आएगी, तो यहाँ पे यूनिट 5-6 जो भी करना है यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने यूनिट भी डाल दिया। और यूनिट डालने के बाद अब यहाँ पे टोटल करना, तो टोटल करना तो बड़ा आसान है। यहाँ पर हम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, सीधा सीधा यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। इसका सेल एड्रेस आ गया। अब यही सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट है, देखिए D2 में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये D है और 2 है। तो D आपका कॉलम है, 2 आपका रो है, ठीक है। तो D कॉलम हो गया और 2 रो हो गया, तो यानी D2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और यहाँ पे 5 को सेलेक्ट कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ टोटल भी होता हुआ आपको नजर आएगा, बस काम हो गया आसान। देखिए सबका टोटल आ चुका है, देख सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है, इन सारे प्रोडक्ट्स पे 10% का टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो 10% का टैक्स लगा हुआ है, तो टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स अमाउंट, ठीक है, ये टैक्स अमाउंट हो गया। अब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है, कैसे करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाई टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैक्स अमाउंट आ जाएगा, आ गया ना। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सब जीरो आ जा रहा है, जब ड्रैग कर रहे हैं नीचे की तरफ तो जीरो आ जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो टैक्स लिखा हुआ है, मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप जरा देखिएगा इसका सेल एड्रेस क्या है। ये देखिए ये J5 है, 5 है ना, ये कॉलम रो नंबर 5 है, ये देखिए ये रो नंबर है और ये जो है कॉलम नंबर है। तो J कॉलम नंबर हो गया और 5 रो नंबर हो गया, तो J5 में हमारा डेटा है, यानी 10% कहाँ लिखा हुआ है, J5 में। तो यहाँ पर आते हैं तो 1000 के हिसाब से, आप देखिए सेल एड्रेस 1000 का सेल एड्रेस क्या है, F2 है,
तो F2 में J5 का मल्टीप्लाई किया गया, बिल्कुल सही है, तो यहां पे आंसर आ रहा है। लेकिन यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये क्योंकि यहां पर चेंज हो गया सेल एड्रेस, ये J5 बन गया J6। भाई F2 तो F3 बनना चाहिए, लेकिन J5 क्या J6 बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहां पे तो ये बन गया है, इसी वजह से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, और कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब एक्सेल इवैल्यूएट करता है जीरो, तो किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो तीन तरीके के सेल एड्रेस हुए, कौन कौन से? पहला मैं लिखता हूं यहां पे, पहला जो सेल एड्रेस है वो है रिलेटिव, रिलेटिव यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, हर स्प्रेडशीट में वही कॉन्सेप्ट रहेगा। दूसरा है मिक्स्ड, एम आई एक्स ई डी, और तीसरा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तो ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों चीजों को अगर आपको ये याद रखा, आप जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ए टू एग्जाम्पल हो गया, मिक्स्ड की बात करें तो या तो रो या तो कॉलम दोनों में से कोई एक फिक्स हो जाएगा। फिक्स कैसे होगा? ये देखिए, ये जो डॉलर लगाया इससे फिक्स हो जाता है, तो जिसके पहले डॉलर वो फिक्स हो जाएगा, या तो अब देखिए टू के पहले डॉलर है तो टू फिक्स हो गया, अगर मान लीजिए कि ए के पहले डॉलर होता तो ए फिक्स रहता। तो रिलेटिव में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और मिक्स्ड के अंदर या तो रो या तो कॉलम दोनों में से कोई एक ही फिक्स होता है, और एब्सोल्यूट में तो दोनों ही हो जाते हैं फिक्स, यानी दोनों ही के पहले डॉलर लगने वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ये दोनों ही के पहले डॉलर लगा हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट है, ये मिक्स्ड है, और ये रिलेटिव। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी क्या करना होगा जरा देखिएगा, यहां पर आते हैं तो J5 बन जा रहा है J6, यानी चेंज क्या हो रहा है, हमारा रो चेंज हो रहा है, तो रो को फिक्स करने की जरूरत है, तो रो के पहले लगा दीजिए डॉलर। ठीक है, ऊपर ही लगा देंगे तो सब जगह हो जाएगा, जब नीचे ड्रैग करेंगे तो। ठीक है, F2 करेंगे और यहां पर इसके पहले डॉलर लगा देंगे, तो डॉलर लगा देने का मतलब है कि ये ड्रैग करने पर नीचे ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर मैं ड्रैग कर देता हूं नीचे की तरफ तो ये चेंज नहीं होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें समस्या ये है कि इस पे बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए से बीच में कहीं भी क्लिक करिए और कंट्रोल ए करिएगा तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रेस कीजिएगा अल्ट, ठीक है, फिर प्रेस कीजिए एच, ठीक है, फिर प्रेस क्या करना है आपको, अल्ट एच के बाद क्यू प्रेस करना है, और क्यू प्रेस करने के बाद क्या करना है ए, यानी शॉर्टकट की क्या होती है बॉर्डर लगाने की, अल्ट एच क्यू ए। यहां पर चेंज है, वहां पर अल्ट एच बी ए होती है एक्सेल में, यहां पर अल्ट एच क्यू ए होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि ये सेल एड्रेस क्या है और ये ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।